जब जब हम सॉयल कॉन्शियस बनते हैं तो हमारे अंदर आईनेस और माइनस आती है, उससे टाइप ए बिहेवियर पैदा होता है और मूड डिसाइड्स अवर फूड, उसमें खुशी ढूंढते हैं। योग मींस कनेक्शन, कनेक्शन विद व्हाट, कनेक्शन विद द ट्रूथ, अपने सत्य से जुड़ जाना, यही योग है, इसे यही मेडिटेशन है। अब सत्य क्या है? सत्य की दो क्वालिफिकेशंस हैं। पहली, सत्य एटर्नल होता है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, वो अनचेंजेबल, अपरिवर्तनशील है। इंसान दो चीज से बना हुआ है, एक सॉयल, भारी आवरण शरीर, और दूसरा जो है सोल। तो जब जब हम सॉयल कॉन्शियस बनते हैं तो हमारे अंदर आईनेस और माइनेस आती है, और आई से इलनेस भी आती है, और ये आईनेस और माइनेस हमारे अंदर ईगो और अटैचमेंट लेकर के आती है, जिससे हमारे अंदर डिफरेंट वाइसेस जो हैं और उनका जन्म होता है, नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज का, स्ट्रेस का जन्म होता है। ये अनस्टेबल है, इससे इनसिक्योरिटी पैदा होती है, और इससे ही पांच विकारों का जन्म होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो आयुर्वेद में भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। ये जो हमारा आउटर सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जिससे जो हमारे अंदर जो वाइसेस आए उससे टाइप ए बिहेवियर पैदा होता है, उससे एंजाइटी पैदा होती है, उससे एंगर पैदा होता है, उससे हमारा मूड ऑफ डिप्रेशन पैदा होता है, उसी से ही हमारे अंदर जो फेथ है ना, अपने अंदर फेथ, निश्चय, विश्वास कम होकर शक, अनुमान की तरफ चले जाते हैं, इसी से हमारी एनर्जी कम होने से आलस्य, अलबेलापन पैदा होता है, जिससे हमारे अंदर विल पावर कम हो जाता है, विल टू बी वेल कम हो जाती है, और मूड डिसाइड्स अवर फूड। फिर जब मूड हमारा खराब होता है, स्ट्रेस में होते हैं, तो हम रॉन्ग फूड खाते हैं, हम उस स्ट्रेस को रिलीव करना चाहते हैं, गलत फूड खा के हाई शुगर एंड हाई फैट फूड्स खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, उसमें खुशी ढूंढते हैं। जबकि और ऐसे आदमी को जो हाई फ्रिक्वेंसी में रहता है, उसको नींद नहीं आती है, वो लेट सोता है, लेट उठता है, लेट टू बेड, लेट टू राइज। जबकि हम सुनते हैं अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज इज द बेस्ट वे टू बी हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। स्ट्रेस है वो हमारे हमको रॉन्ग डाइट खाने को मजबूर करती है, हमारी नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है, स्लीप, रॉन्ग स्लीपिंग पैटर्न्स हो जाते हैं, लेट टू बेड, लेट टू राइज, और फिर जो है हमारे अंदर जो स्ट्रेस आती है, अब जब लेट उठते हैं तो लेट उठने के बाद हम एक्सरसाइज करने का समय नहीं होता, हमको ऑफिस जाना होता है,